कितने टाइम में आएंगे आप? थोड़ा सा हिला हो आपके ब्लैक भाई लोग आपका है क्या यार? मैडम आओ आज ये डॉक्यूमेंट यहाँ से फाड़ दी, ये डॉक्यूमेंट जब फाड़ के बाद इसको लगा दूँ हॉस्पिटल के अंदर तो क्या रिकॉर्ड रहेगा? मैं इतना चाहता था कि मेरे को मेरी जो फाइल है बच्चे पूरे टेस्ट जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें भी हॉस्पिटल पर मेरे को भी बीबी के पेपर जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ आपको नहीं देखा वो हमारे को देखा दवाई में आ जाओगे किसको बोला था स्टाफ कौन था कितने बजे बोला था आपने? ये ब्लड उन्होंने किसने ये डिपार्टमेंट है ना ये हमारा नीचे हमारी को सुनवाई नहीं करता है इसमें हमारी गलती क्या हमने ट्रीटमेंट भी लिखा इसमें क्या बताएंगे मैंने तो बोला था ना कि उनको जाके बताओ एक चीज और आपने ये लिख के दिया है ना आपने ये बताया था कि इनको उनको जाके बोलना कि इसको फोटो सेंटर हुआ है तो टिकट दिखा देना कि डॉक्टर लिख के चला गया तो किसकी ड्यूटी है टिकट देखने की? अब इसमें कोई दवाई लिखता है नहीं स्टाफ देख के दवाई तो देता है ड्यूटी भी छोड़ी है आपको पता है टिकट उनको दिखाना दिखाया था तो उन्होंने सैंपल लेना था बताइए अब किसकी करनी है नहीं वो मैंने फोन निकाल दिया पर फोन निकाल दिया देखिए उनकी लापरवाही से तो अच्छा चला गया ना हमारा तो आपसे पूरा काम कितने घंटे बाद दिन में सर देखें आपने ये आप कितने बजे लिख के गए थे 15 घंटे बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ 12:30 बजे आपने मेरे को ये लिखा है इन्होंने मुझे ब्लड निकाल के दिया था इन्होंने आपके पास ये सैंपल लेके आए सैंपल लेके आए तभी ये सैंपल नहीं देखा था ये नहीं पता था ये इन्होंने पूरा मैंने यही फोन दिखाया था ये पेपर दिखाया तभी आप मुझे सैंपल दिखाया ये क्या मतलब ये कौन ये लो हम तो ना लिखेंगे हम तो ना देखेंगे नहीं ये रखी है क्या अभी नहीं होगी ये वाली पर्ची ठीक है अरे मैडम बोल रही है कि ये फाइल भी लेकर गई आपके पास ये पर्ची कहाँ से आई ये पर्ची कहाँ से आई मुझे तो बता दो रिपोर्ट है ये पर्ची ऐसी ब्लू पर्ची आती है लंबी पर्ची आती है मैडम ने ये इन्होंने बना के दी थी मुझे ये अपने डाल के ऊपर नंबर ने बना पर्ची के लिए बोला था नहीं ये काय के लिए रद्दी कागज है ये मेरे को बता दो आज आप सोचो आपने 12:30 बजे आपने 12:30 बजे यहाँ पर ट्रीटमेंट लिख दिया और मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट रात को 3:30 बजे स्टार्ट हुआ 3 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ सर गवाह इस बात के 15 घंटे बाद मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट सर क्या किया आपने क्या किया सर
इस गलती में मैंने भुगता, मैं किसके पास जाऊंगा? गलती किसकी है ये तो लिख गए, इनका काम है लिखना, ये देखना किसका काम है, ये लिखते काहे के लिए हैं? सर पूरे तरीके से बात नहीं, सर बोल रहे पांच चीजें बोल रहे, मैं आपके लिए बोल ही नहीं रहा, पर हमने तो सफर करा। आप बताए, आपने बेबी देखा था आपके पास, जब बेबी आया था किस कंडीशन में था? आज आप बताएं उस कंडीशन में बेबी की अगर किसी की डेथ होती है तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? देख के तो लेकिन क्या कई बार पार्टी लिखते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, बेसिकली मेरे को एक बताना, डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी कब हुई? जी 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 एक मिनट, डिलीवरी कब हुई? बिल्कुल ठीक थी ना? बिल्कुल ठीक थी ना? मालूम चलेगा उसको कुछ भी नहीं, अगर वो बच्चा पीड़ा पड़ रहा, आपने तो मुझे बोला कि इसको हम तो डॉक्टर हैं, मेरे आपको बिल्कुल सही है, बताइए इसमें इसकी और हमारी क्या गलती? सर मैं हमारी क्या गलती? आप मुझे बताओ, डिलीवरी देखो डिलीवरी हुई दिन में 12 बजे, 12 तारीख को 12 बजे डिलीवरी हुई, आप दूसरे दिन 12 बजे चेक करने आए, उसके बाद भी आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं करा? इसका छोटा भाई 9 महीने से मेरा बेबी आएगा, मेरा हम उसको क्या बोले बच्चे को? नहीं, किसको इन्फॉर्म नहीं किया? एक मिनट, तूने बुलाया था इनको? किसको? इनको आप देख के जा चुके थे ना, उस टाइम आपने नहीं बोला ना किसको पी लिया है? नहीं पी लिया, इन्होंने कहा था पी लिया, इन्होंने तो बता दिया था कि पी लिया, हो सकता है कि चेक करवा पी लिया है, और आप मेरे पास आ जाओ, मैं रिपोर्ट बना के दे रही हूँ, सैंपल लिख के दे रही हूँ, सैंपल भेजा, इन्होंने ये पेपर मुझे निकाल के दिया है, सिर्फ ये ही दिया था, मैं इनके पास आई थी, इन्होंने ब्लड निकाला, यहाँ से निकाला। अच्छा सर एक चीज़ और, क्या ब्लड बैंक वालों को ये नहीं पता होता कि इस ब्लड का ग्रुप कहीं नहीं मिलेगा? ताकि आप इनको पढ़ा, बेसिक फंडा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इतनी नॉलेज आपके? हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अनपढ़ है, मान लो मैं तो अनपढ़ हूँ, ये पॉजिटिव, अगर आपके 50 आदमी आके एक पॉजिटिव वाले चले गए तो इसका क्या होगा? मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं कल चक्कर काट रहा था ना ब्लड बैंक के, आपके सामने आपने मेरे को भेजा था ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक में बंदा था ना उसको सब मालूम था कि वो नेगेटिव ग्रुप नहीं मिलेगा जी, ये बात आप एग्री करते हो ना? एग्री करते हो? ये बात उस बंदे को मालूम थी, ब्लड बैंक वाले को, उसने सर उसने मेरे को यही इशारा कर दिया था कि है ना आप ढूंढ लो, आपको नहीं मिलना है, आप फिर भी ट्राई कर लो, ठीक है? ठीक है सर, उन्होंने मेरे को यही इशारा कर दिया था, मैंने उनसे इतना पूछा था ऑल्टरनेट, मैंने कहा आप मेरा ले लो, मेरे को नहीं मालूम था चेंजिंग का क्या सिस्टम है, हमारे लैंग्वेज में चेंजिंग का होता है कि भाई मेरा लेके मेरे को दे दो, मेरे को ये मालूम था, मैंने कहा सर आप मेरा ले लो, बोले सर आपका दर्ज करा कुछ नहीं, सबसे तो अब बताएं सर मैं क्या करूं? तीन आप ये सोचो कि 4 घंटे आपके सामने मैं घूम के आया हूँ पूरे में, और फिर मेरे को मिला इधर ही, आज मिला मेरे को कहाँ से? अगर मेरे को बाहर से मिलता ना मेरे को बहुत तसल्ली होती, मैं रियल बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ब्लड मेरे को बाहर से मिल जाता ना मेरे को तसल्ली होती कि मैं 4 घंटे जो मेरे खराब करके आया ना, ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ, मेरे को तसल्ली होती कि मैं मेरी मेहनत पर, और मेरे को जब पता चल रहा है कि जिस चीज के लिए मैं घूम रहा हूँ वो मेरे को बैंक मेरे हॉस्पिटल ही मिल रही है। देखो वो सबसे सेफ हमारा मकसद क्या होता है, सबसे सेफ चीज अल्टरनेट आपने लगाया, ये चीज पहले भी लग सकती है ना, पहले भी लग सकती है। हमारा मकसद क्या होता है, दो दवाइयाँ हैं, एक दवाई जो सबसे सेफ है और एक दवाई जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं कौन सी दवाई प्रीफर करूँगा बताओ? जो सेफ अल्टरनेट आपने बाद में लगाया, चलो ठीक है कर देंगे, लेकिन तो हम बच्चे को खून चढ़ाएंगे बदले लिए, तो उनको ये पता था कि आ चुका है, फिर दूसरी रिपोर्ट मैंने तुमको 11:30 बजे दी, मैं तभी आपको दी थी क्योंकि वो सर थे ही, उनको मुझे ये कहा गया ओटी आपने, तो मैं ओटी में से आ रही हूँ, अब ओटी सर हम पूरी रात पूरे दिन हम बच्ची को यहाँ 4 बार मैं नर्सिंग होम में दिखाने लेकर आई कि बच्ची को तबीयत खराब है, आप ट्रीटमेंट करो ट्रीटमेंट करो, वो बोलते बार बार मैं बाहर जाके बैठी है, आपको बोला ना डॉक्टर आएगा जब चेक करेगा, बाहर जाइए, यही तो यहाँ के स्टाफ के डॉक्टर मुझे बोलते हैं, मैं कह रही हूँ बच्ची की तबीयत खराब है कुछ चेक तो कर लो, रिपोर्ट आती रहेगी, नहीं आप बाहर जाइए, ये क्या तरीका हुआ बोलने का किसी से भी? सिर्फ 36 घंटे की बच्ची थी, एक दिन आधा डेढ़ दिन की बच्ची आप मान लीजिए, और हमें मालूम चला है वो डॉक्टर को हमने बुलाया किसी और रीज़न से कि आप इसको चेक करो, वो बोल के जा रहे हैं कि इसको ये चीज़ है और ट्रीटमेंट लिख के जा रहा है, फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, और यहाँ आके क्या कह रहे हैं कि वो हमने देखा नहीं, ये सरासर झूठ है, उस
रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने जो डॉक्टर ने लिख के दिया ट्रीटमेंट उसी के आधार पे उन्होंने मुझे जांच लिख के दिए कि ये जांच बच्चे की करानी है। जब वो जांच देख रहे हैं तो ट्रीटमेंट नहीं देख रहे, सेम जगह सेम चीज पे लिखा गया। आप क्या गलती थी मानते हो? हॉस्पिटल की गलती है, सरासर गलती। जब वो ट्रीटमेंट डॉक्टर लिख के जा रहा है तो बच्ची को क्यों नहीं मिल रहा? आज बच्ची को 8-8.5 घंटे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसके कारण वो हमारे पास नहीं, आज वो हमारी गोद में होती 8.5 घंटे। मेरा नाम कविता है, मैं बच्ची की बुआ हूँ। मैं अलवे गेट का रहने वाला हूँ। मैंने 12 तारीख को मेरी वाइफ को यहाँ पर 10 बजे के करीब एडमिट कराया था, जिसकी सर्जरी इनसे एक बच्ची हुई, सब चीज़ नॉर्मल थी। 13 तारीख को 12 बजे तक अस्पताल की तरफ से कोई भी डॉक्टर ने बच्चे को चेक नहीं करा। 12:30 बजे करीब एक बच्चे के डॉक्टर आके बोलते हैं बच्चे को जॉइंटिस पी लिया है, वो भी हमारे कहने पर, है ना, हमारे कहने पर उनको बताया गया कि जॉइंटिस है। उसके बाद 12:30 बजे से लेके 8 बजे तक किसी भी डॉक्टर ने आके सुध नहीं ली बच्चे की कि भाई क्या है, हमने क्या प्रोटेक्शन इनको दवाइयाँ दी है। जो डॉक्टर ने 12:30 बजे लिख के गए थे कि भाई इस बच्चे को नर्सरी में या इनकी वीडियो थेरेपी करके कुछ होता है उपचार, उसमें रखना है, बट यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने कह दिया कि मुझे आज बताया गया कि नर्सिंग स्टाफ ने वो फाइल ही नहीं देखी गई। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी कि 8:30 घंटे मेरे बच्चे को 8:30 घंटे तक मेरे बच्चे का कोई भी उपचार नहीं किया गया। 9:30 बजे एक रिपोर्ट करवाई गई उसकी बच्चे की, उसके बाद उसे बताया गया मुझे कि इसका ब्लड सैंपल ब्लड चेंज होगा। मेरे को बताया गया कि मेरे को ओ नेगेटिव करके एक ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा। मैं यहाँ के ब्लड बैंक पर गया जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ब्लड बैंक वालों ने मुझे बोला कि यहाँ के जोनल ऑफिस JNL में जाके इसका अरेंजमेंट करें आप। मैं जोनल ऑफिस में गया, जबकि यहाँ के जो ऑफिसर थे ब्लड बैंक के, उनको ये बात मालूम थी कि अजमेर के अंदर, पूरे अजमेर शहर के अंदर ओ नेगेटिव करके कोई भी ब्लड ग्रुप अभी मौजूद नहीं है। सेकेंड चीज, हाँ, उनका सर, उनका ये कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, बट कब करेंगे ये नहीं पता। और आज 10 बजे के करीब हुई है, आज सुबह 10 बजे हुई है। हाँ सर, मैं पुलिस में दूंगा। मेरा बस इतना सा कहना था कि जो भी इसके पीछे कार्रवाई है, जो भी डॉक्टर दोषी हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं एक्सेप्ट नहीं करनी। मेरे साथ जो भी हुआ एक बार मैं सहन कर लूँगा, और बाकी किसी के साथ ही आना हो, क्योंकि ये अजमेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अजमेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पर इतनी लापरवाही होती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। मुझे जो चीज़ यहाँ अवेलेबल थी उसके लिए 4 घंटे मार्केट में घुमाया गया। जब मैं यहाँ पर डोनर लेके आया, ब्लड डोनर अपना खुद का, कि भाई ओ नेगेटिव यहाँ नहीं है, ठीक है मैं अरेंज करके देता हूँ, उसके बाद मुझे बोलते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद है। इस मेरा नाम मनोज है।